विनवाम बारंबार धन्य धन्य सद्गुरु सुख महिमा कहे न जाय जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु समवेत समादरणीय सज्जन वृंद आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों आज स्वास्थ्य की प्रतिकूलता के कारण मैं यद्यपि यहाँ आना नहीं चाहता था तथापि आप लोगों के दर्शन की जो लालसा थी उस कारण मैं आज अभी उपस्थित हुआ। मैं अधिक देर तक आज नहीं कह सकूंगा, थोड़ी देर में समाप्त करना चाहूंगा। साधारणतया लोग दैहिक दैविक भौतिक इन त्रितापों को जानते हैं जिसका शरीर से संबंध है। देह से उत्पन्न रोग दैहिक अकस्मात कुछ हो जाए जैसे एक्सीडेंट वगैरह यह दैविक है। जीव से जीव को दुख होता है, कष्ट पहुंचता है, यह भौतिक। इन त्रतापों से लोग संतप्त होते रहते हैं, इसको आधि कहते हैं। जैसे शरीर में रोग होते हैं वैसे ही मन में भी रोग होते हैं, मानसिक रोग को व्याधि कहते हैं। शारीरिक रोग को तो कोई पसंद नहीं करते हैं लेकिन मानसिक रोग को लोग पसंद करते हैं, बल्कि इतना पसंद करते हैं कि उसको छोड़ना नहीं चाहते, उसको समझते ही नहीं कि यह रोग है। वे मानसिक रोग हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। सामान्यतया काम शब्द का अर्थ लोग कामदेव से लेते हैं, सहवास से लेते हैं, किंतु संतों ने स्थान भेद से विविध तरहों से इसकी अभिव्यंजना की है। एक ओर काम को चार फल के अंदर में रखा गया है, अर्थ धर्म काम मोक्ष। चार फल के अंदर में काम को रखा गया है। और दूसरी तरह काम को इस तरह रखा गया है कि इस काम ने किसको बदनाम नहीं किया। महाराजा दशरथ जिनके सुपुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हुए, भगवान के पिता कहलाने का जिनको सौभाग्य प्राप्त हुआ, ऐसे को भी काम ने बदनाम करने से छोड़ा नहीं।
जब कैकेयी कोप भवन चली जाती है और राजा दशरथ को मालूम पड़ता है कि कैकेयी कोप भवन में चली गई है, तो दशरथ की क्या स्थिति होती है इसका चित्रण गोस्वामी जी ने किया है। सुरपति बसई बाहु बल जाके, नरपति सकल रहै रुख ताके, असो सुनि तियरिस गयउ सुखाई, देखउ काम प्रताप बढ़ाई। देवराज इंद्र जिनके बाहुबल पर बसते थे, संसार के सारे राजा हाथ जोड़े खड़े रहते थे कि राजेंद्र का क्या आदेश है। जहां सुरपति नरपति जिनके अधिकार में हो, और वे जब सुनते हैं कि पत्नी जी चली गई हैं कोप भवन में, तो कोप भवन सुनि सकुचे उराऊ, अब भयवश अंगहुर पड़ई न पाऊ, डर के मारे उनका पैर आगे नहीं बढ़ रहा है। गोसाई जी कहते हैं यह काम का प्रताप है, काम की महिमा है, देखो काम प्रताप बढ़ाई। एक साधु बाबा जंगल में रहते थे, हवा पीकर रहते थे, समय पर वे जाते थे एक पहाड़ के चट्टान में अपना मुंह लगाते थे और उस समय हवा खींचते थे और हवा पीकर के बैठ करके अपना ध्यान करते थे, तप करते थे। उस प्रदेश का राजा गया साधु हुआ, समझे हमको राजा से क्या लेना और क्या देना, कुछ आदर सत्कार किया नहीं, तो राजा तो राजसी होते ही हैं। तामस भी आ गया कि इसके आश्रम में मैं गया और मेरी पूछ तक नहीं, जबकि मेरे राज्य में ही बस रहा है। अच्छा, फिर भी राजा ने कहा कि महाराज आप इतने बड़े त्यागी हैं, तपस्वी हैं, घर बार परिवार रोजगार सब छोड़ करके जंगल वास कर रहे हैं और जंगल में भी कंदमूल फल तक नहीं लेते हैं, केवल हवा पी करके रहते हैं आप, अगर आप हमारे घर पर पधारिए तो मेरा बड़ा अहोभाग्य होगा। साधु भगवान का सब घर बार परिवार छोड़कर तो मैं जंगल में आया, तुम्हारे यहां जाकर क्या करूंगा। राजा चले गए, राजा ने एक वेश्या को ठीक किया और कहा कि तुम यदि उस बाबाजी को ले आओ तो तू जो इनाम मांगेगी मैं वह इनाम दूंगा। वह वेश्या चली गई जंगल में, दिनचर्या देखने लगी बाबा क्या करते हैं, इस समय बैठते हैं पूजा करने के लिए, इस समय वे घूमते हैं, इस समय वे हवा लेते हैं और इस पर्वत पर इस चट्टान पर मुंह लगा करके वे हवा लेते हैं। तो जिस चट्टान पर वो मुंह लगा करके हवा लेते थे उस वेश्या ने वहां पर थोड़ा सा शहद लगा दिया, तो जब मुंह से वो हवा खींचने लग गए तो पहले तो सूखी हवा आती थी, आज हवा में मिठास है,
इसलिए जितनी हवा वो लेते थे उससे बेसी उस दिन हवा ले ले ली। फिर दूसरे दिन, अभी वैसे सामने नहीं है, छिपे छिपे काम कर रही है, उस पर थोड़ा और मोटा शहद लगा दिया, तो जो हवा लेने लगे तो शहद उधर से चू करके नीचे की ओर आ रहा था, तो मीठा लगा तो शहद को चाट भी लिया, तो स्वाद लगा वो चाट लिया। फिर दूसरे दिन उसने और शहद डाल दी तो उसको भी उन्होंने चाट लिया। अब धीरे धीरे यह बढ़ाने लगी, होते होते एक दिन वो हलवा बनाकर ला करके वहां पर साट दिया, तो बाबा हलवा भी पा लिए। अब रोज हलवा वहां पर क्या कहते साटने लग गई वो, जो हवा पी करके रहते थे अब हलवा खाने लगे तो शरीर में कुछ आएगा, बल भी आने लग गया। जो हवा पी कर रहते थे कमजोर शरीर था, धीरे धीरे बल भी आने लग गया। जब बल आने लग गया तो एक दिन वो क्या कहते हो सामने भी आ गई, सामने आ गई तो ये बातचीत भी हुई। फिर और भी बात बढ़ी और बात बढ़ते बढ़ते यहां तक बात बढ़ी कि बाल बच्चे तक हो गए। तो उस वेश्या ने कहा कि बाबा जंगल में तो हम लोगों का गुजर नहीं होगा, बच्चे का परवरिश चाहिए ना। राजा बड़े दानी हैं, हम लोगों को देखेंगे तो जरूर हम लोगों को वे देंगे जिससे हमारा गुजारा होगा। तो दो बच्चे हो गए, एक बच्चे को बाबा कंधे पर लिए और एक बच्चे को हाथ लगाकर, जो छोटा बच्चा था उसको कंधा पर लिया और जो चलने वाला था उसको हाथ लेकर गए राजा के दरबार। वेश्या जाकर के नमस्कार करती है और कहते हैं हाजिर है, तो मांगो क्या वरदान मांगती है। साधु आवाज से कहा कि महाराज आपको मैंने निमंत्रण दिया था आने के लिए, लेकिन उस दिन तो आप नहीं आए, लेकिन आपकी बड़ी कृपा हुई आज दर्शन देने के लिए आ गए। तो कबीर राम ने कहा काम कथा सुनिए नहीं, वो तो नारी का संग है। कबीर साहब कहते हैं कि काम कथा सुनिए नहीं, सुनि के उपजे काम, कहे कबीर बिचारी के बिसर जाए सतनाम। जहां काम तह नाम नहीं, आ जहां नाम नहीं काम, कह कबीर दो ना मिले रवि रजनी एक ठाम। शरीर जुबा हो स्वस्थ हो और कुछ श्री की भी प्राप्ति हो जाए तो जहां कांचन है वहां काम आना है। अपने ही एक सत्संगी थे, पैसे थे उसके पास, पत्नी मर गई थी, गुरु महाराज के पास आते जाते थे और लहना तगादा भी करते थे, पैसे जो थे। तो गुरु महाराज बोले कि अरे अरे पैसा है तो है ही, लहना जो लगाते हो
ती माया मोह तुमको खींचेगा। बैठ करके ध्यान भजन करो। अब लहना तगादा में रुपये पैसे बढ़ने लगे, बढ़ते 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 जब पैसे अधिक हो गए, अब उस पैसे को खाएगा कौन? तो फिर उन्होंने शादी कर लिया, फिर उसके बाल बच्चे हो गए। ये तो देख ही देखे भाई, उसके बच्चे अभी भी आते हैं मेरे पास में, नाम नहीं बतलाऊंगा। तो ये है काम, काम क्रोध मद लोभ की जब लगी घट में खान, कहा मूर्ख कहा पंडिता दोनों एक समान, कोई अंतर नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं कि ये काम क्या है? काम बात अकफ लोभ अपारा अक्रोध पित्त नित छाती जारा, अप्रीत करे जो टीन उभाई उपजे सन्निपात दुखदाई। शरीर में कफ पित्त बात ये तीनों संतुलित अवस्था में रहने पर कोई रोग नहीं होता। इन तीनों में जो विषमता होती है, न्यूनाधिकता होती है, तो रोग उत्पन्न होता है। जैसे जब साम्यावस्था धारणी मूल प्रकृति है, उसमें रज सत तम तीनों सम अवस्था में रहते हैं तो सृष्टि नहीं होती है, और ये तीनों में जो विषमता आती है तो सृष्टि आरंभ होती है। तो उसी तरह कप पित्त बात, किसी का बात कुपित हो गया, रक्त कुपित हो गया, कफ हो गया। कहते हैं काम क्या है? काम बात। काम जो है वह बात रोग के समान है। बात रोग बहुत तरह के होते हैं, कितना 84 कितना प्रकार के बात रोग होते हैं। जिन बात रोगों में एक होता है गठिया, मतलब गांठ को पकड़ता है, वह गांठ को जकड़ कर पकड़ लेता है, वह चलने नहीं देता है। अर्थात जो व्यक्ति कामासक्त है उसको गठिया रोग हुआ, वह उसको आध्यात्मिकता की ओर चलने नहीं दे, उसको पकड़ करके रखेगा। काम बात वस्तुतः संत कबीर की दृष्टि में तो काम काम सब कोई कहे, काम न चीन है कोई, जेती मन की कल्पना काम कहावे सोई। इतनी इच्छाएं हमारी हैं, सब काम ही काम है, यह भी है। तो बतलाते हैं गोस्वामी जी, या यो समझिए काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से कह रहे हैं, यह काम जो है यह बात रोग के समान है, गठिया बात। अकफ लोभ अपारा, लोभ कफ के समान है। कफ बढ़ते 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 जो कंठ घेर लेता है तो क्या कहता है लोग? अब चलेंगे, अब कंठ तो बंद होगा। उसी तरह लोभ जिसका बढ़ने लगता है, बढ़ते बढ़ते कंठ तक आ जाता है, तो उसको जाना ही आध्यात्म ज्ञान रहेगा क्या वो? लोभ मक्खी बैठी शहद पर,
अब पंख गए लिपटाए, हाथ मले वो सिर धुने, लालच बड़ी बलाए। तो जो लालच में गृहस्थ बेचारे को तो बाल बच्चे का पालन पोषण करना, लिखाना पढ़ाना, यह सब घर दुआर बनाना, कुछ करना है, उसमें बेचारे रहते हैं। लेकिन साधु बाबाजी भी अगर ध्यान भजन छोड़ करके हाय पैसा के पीछे जाए तो उसको भी तो कंठ घेरेगा एक दिन, और जाएगा राम नाम सत करेगा। और यह बहुत दुख की बात है। ध्यान भजन क्या है उसकी कोई कीमत नहीं, लेकिन पैसे की कीमत, वो क्या होगा। गृहस्थ करते हैं बाल बच्चे के लिए, साधु करते हैं अपने चेले के लिए, दोनों में अंतर क्या है। यह कफ जो है लोभ अपारा, आज इतना हुआ तो अब इतना हो, इतना हो तो इतना हो, इतना हो इतना हुआ, क्या हो। अरे गृहस्थ आदमी तो बेचारा कमाता है तो कुछ तो बाल बच्चे का भरण पोषण पालन करता है, आ कुछ शुभ काम में भी खर्च करता है, कुछ साधु बाबा जी को भी देता है, असाधु बाबा जी जमा ही करता है, जाए कुछ खर्चा ही नहीं करे, जाए तो कंठ तक तो पहुंचेगा, वो घेरेगा जाकर के। काम बात कफ लोभ अपारा, अक्रोध पित्त नित छाती जारा। अक्रोध जो है वह है पित्त रोग। क्रोध क्या है? क्रोध तो व्यक्ति को अबोध कर देता है और प्रतिशोध की भावना उत्पन्न करता है। क्रोध एक प्रकार का नशा है। जैसे कोई नशा पान कर लेता है, उसको कुछ सुधि बुधि रहती नहीं है, स्वपर का ज्ञान नहीं रहता है, उसी तरह जब क्रोध उत्पन्न होता है तो स्वपर का ज्ञान भूल जाता है, उस नशे में आ जाता है। और उस क्रोध के कारण जो स्वजन है वह भी परजन हो जाता है, अपना आदमी भी दुश्मन हो जाता है, मित्र जो है वह भी शत्रु बन जाता है। क्योंकि नशाबाज आदमी क्या बोलेगा और क्या करेगा कोई ठिकाना नहीं है, उसी तरह जब आदमी क्रोध में आ जाता है तो वह क्या करेगा और नहीं करेगा कोई ठिकाना नहीं। एक नशाबाज नशा पीकर के बाजार से लौट रहा था, मस्त था, लड़खड़ाते लड़खड़ाते क्या कहते वो नाले में गिर गया। अब वो बड़बड़ाता है, कुत्ता मुंह सूंघता है, शराब जो पिया हुआ है कुत्ता मुंह सूंघता है। अब वो बड़बड़ाता है, कहता है कि नगर पालिका का चेयरमैन दिन भर तो क्या कहते सड़क को नाला को सड़क के किनारे रखता है, और जब मेरे चलने का समय होता है तो सड़क पर ला देता है। तो क्या बोलेगा क्या करेगा कोई ठिकाना। अंग्रेज का जमाना था, एक उसे शराबी था, वो पीता था शराब। उसके सामने एक अंग्रेज था, नील का व्यापार करता था, खेती करता था। तो जब वो नशा में मस्त हो जाए तो वो कहे कि वो नील वाला कोठी, नील कोठी का जो वो साहब है उसको बुलाओ तो
पूछो तो कितना लगाओ दाम अपनी कोठी का, अल्लबल वो क्या बोलता रहता था। तो जो उसके अपने आदमी सब थे नौकर चाकर से सुनता था तो उसको अच्छा नहीं लगता था। उसने कहा कि साहब वो तो ऐसा ऐसा बोलता है। कहा कि पकड़ कर लाओ मेरे सामने, लाया उसको। मस्त था वो तो साहब था, पूछता है कि तुम मेरी कोठी मोल लेगा? हाँ लेंगे। कितना दाम बतलाओ? मतलब लेगा ना, ठीक बोल। बोला हाँ ठीक बोल रहा हूं, बोलो कितना दाम लोगे? अंग्रेज ने कहा इतना दाम लेगा, है तुम्हारे पास? बोला हाँ है। लाओ दाम, लो कोठी। बोला आज नहीं लूंगा, कल लूंगा। जब नशा उसका उतर गया दूसरे दिन, तो सिपाही पकड़ करके ले आया, कहा कल 8 बजे देंगे दाम। तो 8 बज गया, चलो दाम दो। तो गया वो, तो अब तो नशा नहीं है, अब आ गया अपनी स्थिति में। तो अंग्रेज पूछता है, तुम जो कहा था कि कल 8 बजे दाम देंगे, दाम लाए हो? बोला हुजूर की कोठी को कौन मोल लेगा, जो मोल लेने वाला था वो तो चला गया। तो कहते हैं जैसे कफ पित्त बात, ये तीनों रोग जब मिल जाते हैं तो कहते हैं उसको सन्निपात टैफट की बीमारी हो जाती है, जिसका बचना कठिन हो जाता है। उसी तरह जिसको काम है, क्रोध है और लोभ है, जिसके पास ये तीनों हैं, तो आध्यात्मिक जगत में वे क्या जी सकते हैं? आध्यात्मिक जगत से वे गए गुजरे हैं। सन्निपात दुखदायी विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ये सब रोग नाम को जाना, इस तरह विविध रोगों का वर्णन गोस्वामी जी ने किया है। और यहां तक गोस्वामी जी ने कह दिया कि ये जो षट विकार हैं, ये रोग सबको हैं, हैं सबके, लेकिन लखी बिरले जाना। लेकिन बिरले आदमी जानते हैं कि यह रोग है। लोग तो भोग रहे हैं, काम में फंसे हुए तो हैं फंसे हुए, क्रोध में है तो हैं, लोभ में है तो हैं, और कितना बढ़ता जाएगा। उसे प्रिय शारीरिक रोग से तो दुख मानते हैं, लेकिन इसमें दुख कहां मानते हैं, इसमें तो सुख मानते हैं जितना हो उतना। जैसे जलती हुई आग में घी डालते जाइए, ज्वाला और बढ़ती जाएगी, उसी तरह से बुझे ने काम अगिन तुलसी कहो विषय भोग बहु घीते, देते जाइए घी डालते जाइए, भोग डालते होने को नहीं। लोग काम की निंदा करते हैं लेकिन क्रोध की उतनी निंदा नहीं करते हैं। कोई भी कितना क्रोधी है और कोई कामी है, तो कामी की जितनी बदनामी लोग करेंगे क्रोधी की उतनी नहीं करेंगे। कारण काम और क्रोध, भगवान ने गीता में कहा है कामात क्रोधो भी जायते, काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है। कामना की पूर्ति नहीं होने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। कामना की पूर्ति हो तो क्रोध नहीं होगा,
मनोनुकूल होता है क्रोध क्यों होगा? अनुकूलता जहां नहीं होती है, प्रतिकूलता जहां हुई कि क्रोध उत्पन्न हुआ। काम से क्रोध का स्थान बहुत ऊंचा है। बालपन में काम की उत्पत्ति नहीं होती है, युवावस्था में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है युवावस्था में इसकी प्रबलता होती है, और जैसे उम्र ढलती जाती है इसमें क्षीणता आती जाती है, काम में दुर्बलता आती जाती है, बल्कि बुढ़ापे में वह काम उपभोग कर ही नहीं सकता है। मन है लेकिन इंद्रिय काम नहीं कर रही है, क्या करेगा बेचारा, लाचार है। लेकिन क्रोध के लिए आप देखिएगा तो क्रोध बचपन से ही शुरू होता है, अब बढ़ते 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 जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ना, क्रोध भी बढ़ता जाता है, उसकी मात्रा बढ़ती जाती है, अब बुढ़ापे में तो और उसकी मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि बूढ़े की बात सुनने को कोई तैयार नहीं है, बूढ़े की बात सुनने को तैयार नहीं है तो क्रोध तो आवेगा स्वाभाविक। बचपन में छोटा सा बच्चा है, उसको भूख लगी है, रो रहा है, रोते 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 माँ आकर के दूध नहीं पिलाती है, और तब जाकर दूध पिलाने लगते तो बच्चा दूध नहीं पीता है, रूठ गया बचपन में, क्रोध शुरू हो गया। तो क्रोध बचपन में भी है, जवानी में भी है, बुढ़ापे में भी है, लेकिन काम की प्रबलता केवल जवानी में रहती है, न बचपन में न बुढ़ापे में प्रबलता नहीं रहती। दूसरी बात यह है कि कोई नारी पुरुष पर काम मोहित होती है, कोई पुरुष नारी पर काम मोहित होता है, लेकिन नारी नारी पर और पुरुष पुरुष पर काम मोहित नहीं होता, लेकिन क्रोध नारी नारी पर भी करती है, पुरुष पर भी करती है, और पुरुष नारी पर भी करता है, और पुरुष पुरुष पर भी करता है। मोहन नारी नारी के रूपा, पन्नगारी है नीति अनुपा, यह दस आदमी बैठे हुए हैं, काम भाव जागृत हो गया है, लोगों को देख करके दबाते हैं, उसको भाव उत्पन्न हुआ है, उस तरह की परिस्थिति आने पर भाव उत्पन्न हुआ है, लेकिन लोगों को देख करके काम को दबाते हैं, लेकिन हजारों की लाखों आदमी रहे क्रोध उत्पन्न हो जाएगा तो मानने वाला नहीं है, सबके सामने खुल खेलेगा। जो स्वच्छंद है, जिसके ऊपर कोई दबाव नहीं है, वह जैसा चाहेगा करेगा, और जिसके ऊपर दबाव है, मन गया लेकिन रोक रखा, मन गया रोक रखा, मन गया रोक रखा, धीरे धीरे बेचारा लाचार कमजोर पड़ जाएगा। उसी तरह मन में भाव उत्पन्न होता है दबाते हैं, उत्पन्न होता है दबाते हैं, लेकिन क्रोध को दबाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं रहता है। अपने परिवार में ही कोई कामातुर नहीं हो सकता, लेकिन क्रोध तो अपने परिवार में भी होता है और दूसरे परिवार में भी होता है, ये तो खुल खेलने वाला है। इसलिए
इसकी वृद्धि अधिक है, इसको लोग बुरे दृष्टि से नहीं देखते। छोड़ गया हूँ, बड़ा क्रोध करने वाला आदमी बस। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि ये सब जो रोग हैं, लेकिन लोग इसको रोग मानते नहीं हैं, हैं सबके, सबके यह रोग काम क्रोध लोभ मत है सबके, लेकिन बिरले जाना, कोई जानता है बिरला है कि यह रोग है, और जो जानता है रोग है तब ने इलाज करा देगा, और जब वो भोग भोग रहा है आराम से है तो कागले इलाज करावेगा, वो समझता है भोग है भोग लो, और जो उसको समझता है कि यह रोग है तब वह इलाज करावेगा। जाने ते छीज ही कछु पापी, लेकिन नाश न पावे ही जन परितापी। जान लिया कि यह रोग है ना, इसमें नहीं बढ़ना चाहिए, रुकावट आती है लेकिन नाश नहीं होता है। नाश कब होगा? ये कोई रोग है, उस रोग की दवा करेंगे तब तो नाश होगा रोग, इसकी दवा क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इसकी दवा है, क्या है? रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। तो ये रोग है तो किसी डॉक्टर के पास, वैद्य के पास जाइएगा तब ना दवाई मिलेगी, किसके पास जाएंगे? सतगुरु वैद्य बचन विश्वासा, संयम यह न विषय के न आशा। जब आप समझते हैं रोग है शारीरिक रोग, तो उसके जो डॉक्टर हैं उस डॉक्टर के पास आप जाते हैं, उसे दवाई लेते हैं, तो कहते हैं ये मन का अगर रोग है, इसको समझ लिया कि मन के रोग है, तो जो मन के डॉक्टर हैं उस डॉक्टर के पास जाइए, वे कौन है? तो सतगुरु वैद्य, इसकी औषधि देने वाले संत सदगुरु ही हैं। वचन विश्वासा, वे जो कहते हैं उनके वचन पर विश्वास कीजिए और संयम भी कीजिए, दवाई कीजिए और संयम नहीं कीजिए तो रोग छूटेगा। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, औषधि करे वो पथ रहे ताका वेदन जाए, जो औषधि करते हैं और संयम से रहते हैं उसका रोग जाता है। तो कहते हैं सदगुरु के पास जाएंगे तो वो कौन सी जड़ी देंगे, क्या दवाई देंगे? रघुपति भगति सजीवन मूरी। तो पहले जो वैद्य लोग दवाई देते थे तो उसके साथ अनुपान बतलाते थे कि इसका अनुपान तुलसी का रस दीजिए, चाहे इसका अनुपान शहद दीजिए, चाहे इसका अनुपान अमुक चीज दीजिए। कहते हैं जो रघुपति भगति बताएंगे, वो जड़ी बूटी बताएंगे तो अनुपान, अनुपान श्रद्धा मति पूरी, श्रद्धा विश्वास दृढ़ होना चाहिए, और संयम यह न विषय के आशा, विषय की ओर से हट करके रहिए, निर्विषय तत्व की ओर जाइए। इस तरह दवाई लेंगे, इस तरह अनुपान उसमें देंगे, इस तरह संयम से रहेंगे, तो यही विधि भले ही सो रोग नसाही, ना ही तो कोटि जतन नहीं जाई। संत सदगुरु की शरण जाएं, उनकी बताई हुई युक्ति से साधना करें, विषयों की ओर से अपने मन को मोड़ करके रखें, नित्य नियमित रूप से साधना करते रहेंगे, तब यही विधि भले ही सो रोग नसाही, तभी भले रोग आपका नाश हो सकता है, ना ही तो कोटि जतन नहीं जाई। नेम धर्म आचार तक जितना भी कुछ कर लीजिए, लेकिन यह नाश होने को नहीं है। जब भी नाश होगा तो सदगुरु की शरण जाकर, उनकी युक्ति पाकर, उनके संयम के अनुकूल रह करके साधना करेंगे, तब ये नाश होगा। इतना कह करके प्रवचन में विराम देता हूं।